कोडिंग है क्या? तो एक सिंपल सा फॉर्मेट बोलते हैं क्या कि कोई भी एक मीनिंगफुल वर्ड हो, कोई भी एक मीनिंगफुल वर्ड जिसको हम एक पैटर्न से, एक लॉजिक से एक मीनिंगलेस वर्ड में, या फिर इसको डिजिट्स में, या इसको सिंबल्स में कन्वर्ट कर दें, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोड बोलते हैं। और जिस प्रोसेस से इसको ये कोड किया जा रहा है उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं? कोडिंग। फंडा क्लियर हुआ? अच्छा, अब जरा समझते हैं डीकोडिंग क्या है। तो कहते हैं कोई भी एक मीनिंगलेस वर्ड हो जिसको हम किसी प्रोसेस से, किसी लॉजिक से एक मीनिंगफुल वर्ड में कन्वर्ट कर दें, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डीकोड। और जिस प्रोसेस से इसको डीकोड किया गया है उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कह देते हैं? डीकोडिंग कह देते हैं। ठीक है, होपफुली कोडिंग डीकोडिंग की मीनिंग आपको भी क्लियर हो गई होगी। ठीक, चलिए अब हम लोग आज जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कोडिंग डीकोडिंग में, दैट इज कॉल्ड नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग। अच्छा, नंबर कोडिंग क्या है? नंबर कोडिंग, तो सिंपल सा फंडा क्या कहेंगे कि वर्ड्स को डिजिट्स में ही कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? नंबर कोडिंग कहलाता है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चंस कई बार आपके बनते हैं तो बड़ी जल्दी बन जाते हैं, बट कई बार ऐसे क्वेश्चंस आपके फंस जाते हैं जिसमें आप एक मिनट, दो मिनट, तीन मिनट लगाने के बाद भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका मुझे बेसिक फंडा नहीं पता, क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्ट्रेटजी नहीं पता। तो आज हम लोग क्या सीखेंगे? आज हम लोग सीखेंगे कि क्वेश्चन को हम देखेंगे और देखते ही बता देंगे कि ये सॉल्व होगा तो ये इसी मेथड से, इसी लॉजिक से सॉल्व होगा, जिसके बिहाफ में आप क्वेश्चन को सिर्फ 20 से 25 सेकंड के अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज ये हुई। दूसरी चीज, कोडिंग डीकोडिंग के क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए मुझे इंग्लिश अल्फाबेट की रैंकिंग को याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मुझे याद होगा तो क्वेश्चन को हम सिर्फ 20 सेकंड के अंदर बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया था इंग्लिश अल्फाबेट की रैंकिंग को याद करने का, कौन सा? सिफिल और एक्स का। ठीक है, यह फॉर्मूला क्या कहता था? यह फॉर्मूला कहता था कि सिर्फ 3 की टेबल को आप इन लेटर्स पे लिखते जाइए और सिर्फ ये याद रखिए कि किस लेटर के पहले कौन है या किस लेटर के बाद में कौन है, इससे आपको इजीली इंग्लिश अल्फाबेट की रैंकिंग याद होगी और उसके साथ साथ ये फ्रूटफुल होगा आपके नंबर कोडिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। कैसे? सपोज करिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं। फ्रैंक एक वर्ड है, इसका इन्होंने जो कोड किया, ये कोड किया 6 1 8 11 4 11। ठीक है, क्या कोड किया? फ्रैंक का इन्होंने कोड लिख दिया 6 1 8 11 4 11। और क्या कह रहे हैं कि जिस प्रोसेस इसका एक कोड किया गया है उसी प्रोसेस को अप्लाई करते हुए, उसी पैटर्न को अप्लाई करते हुए यू विल हैव टू ट्रेस आउट कोड फॉर द वर्ड किलर। ठीक है, तो हमने क्या करना है? हमें सबसे पहले यह चेक करना है कि फ्रैंक वर्ड में कितने लेटर्स हैं। कितने लेटर दिख रहे हैं आपको? 5 लेटर्स। और इसका कोड कितने डिजिट का है? पहले ये चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो फ्रैंक वर्ड में हमारे पास 5 लेटर्स हैं और इसका जो कोड किया गया वो कितने डिजिट्स का है? 7 to 8 डिजिट का। दैट मीन्स मोर देन द गिवन लेटर ऑफ द वर्ड। दिए गए वर्ड के लेटर से कहीं ज्यादा डिजिट का अगर उसका कोड है तो इसका मतलब क्या है? सिंपल सा फंडा, बस फ्रैंक के लेटर्स की आप रैंकिंग को लिखिए, आधा क्वेश्चन आपका वहीं देखते ही सॉल्व हो जाएगा। कैसे? देखिए, फॉर्मूले के थ्रू हमने क्या किया, सबकी रैंकिंग लिखनी शुरू की। एफ की रैंकिंग फॉर्मूले अकॉर्डिंगली 6, आर की रैंकिंग फॉर्मूले अकॉर्डिंगली 18, ए की रैंकिंग फॉर्मूले अकॉर्डिंगली 1, एन की रैंकिंग एन ओ से पहले आता है तो एन की रैंकिंग 14, और के की रैंकिंग एल के ठीक पहले के आता है तो के की रैंकिंग 11। कुछ क्लियर हुआ? एग्जैक्टली, क्वेश्चन तो आपका बन चुका है। क्यों? क्योंकि आप कहेंगे सर सारे वर्ड के लेटर्स की जो रैंकिंग थी सबको इन्होंने कंबाइंड करके लिख दिया, ऐसा है क्या? चेक कीजिए, एफ की रैंकिंग, आर की रैंकिंग, ए की रैंकिंग, एन की रैंकिंग और के रैंकिंग। बताइए अब कितना आसान होगा आपके लिए
अगर आपको किलर के सारे लेटर्स की रैंकिंग याद है तो तुरंत आप कहेंगे सर के की रैंकिंग फॉर्मूले अकॉर्डिंगली 11, आई की रैंकिंग 9, एल की रैंकिंग 12, एल की रैंकिंग 12, ई की रैंकिंग 5 और आर की रैंकिंग 18। सबको क्या करना है, कंबाइंड करके लिख देना है। चलिए 11 9 1 2 1 2 5 1 8, हियर इज द आंसर। बताइए फंडा क्लियर हुआ। हमने क्या देखा, हमने सबसे पहले ये चेक किया कि जो गिवन वर्ड है उसमें कितने लेटर हैं, और अगर उससे ज्यादा डिजिट का उसका कोड दिया गया है तो सिंपली मुझे कुछ भी नहीं करना, बस उनके लेटर्स की रैंकिंग मुझे लिख देना है और देखना है कि क्या सबको हम कंबाइंड करके एक साथ लिख दिए हैं। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इजिली जिस वर्ड के लिए आपसे कोड पूछा गया है उसके भी लेटर्स की रैंकिंग आप इसी फॉर्मूले के थ्रू लिखिए और सिर्फ 20 से 25 सेकंड में अपने क्वेश्चन का आंसर ले लीजिए। एक एग्जांपल और देखें, आइए एक एग्जांपल और समझते हैं। सपोज कीजिए फ्रैंक ही वो वर्ड है, इस बार इसका जो कोड किया गया वो किया गया ठीक है, फ्रैंक का कोड क्या है 11236 1916। आपको किसका बताना है, किलर वर्ड का कोड बताना है। जानबूझ के मैंने आपको सिर्फ एक ही वर्ड दिया है जिससे आपको इस वर्ड की रैंकिंग क्लियर हो और इसके भी हाँ पे आप तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व कर लें ठीक है। अब देखिए फ्रैंक में कितने लेटर हैं, 5, कोड कितने डिजिट का है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से उससे ज्यादा डिजिट का कोड है। अब आप कहेंगे सर अभी आपने प्रीवियसली क्वेश्चन में बताया था कि जब भी कभी कोड ज्यादा हो तो हम उनकी रैंकिंग लिख देते हैं, तो क्या जरा आप चेक करिए F की रैंकिंग 6 है, क्या वो यहां पे प्लेस है, नहीं, यहां पे या तो 1 है या तो 11 है। इसका मतलब क्या कि हमें पर्टिकुलरली जिस लेटर के लिए यहां पे हमने कोड रखा है उस लेटर की जो रैंकिंग है उसको एग्जैक्टली हमने यहां पे नहीं लिखा, हमने इसमें क्या किया कुछ ऐड या कुछ सबट्रैक्ट किया। कैसे, चेक करिए 6 से यहां पे क्या हुआ 11 हुआ, कितने का डिफरेंस +5 का। बोलिए फिर चेक करिए 18 है +5 करने पे कितना होगा 23, आगे देखिए क्या सीक्वेंस में 23 दिया हुआ है, क्या देखिए है, चलिए अगेन +5, फिर से चेक करते हैं आगे ए की रैंकिंग 1, उसे +5 किया तो 6, बोलिए सही जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं एन की रैंकिंग 14, +5 किया तो 19 ठीक है, लास्ट के K की रैंकिंग 11, +5 किया तो 16, क्लियर हुआ। इस बार हमने क्या किया, ऐसा भी हो सकता है कि जब उस लेटर की रैंकिंग एग्जैक्टली ना लिखी हो तो उस केस में उस लेटर की रैंकिंग में कुछ प्लस या फिर कुछ माइनस भी करके उसका कोड बना सकते हैं ठीक है। अब बताइए इसके कोड का प्रोसेस आपको पता चल गया, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देंगे नीचे, तुरंत कहेंगे सर K की रैंकिंग है 11, ऊपर +5 का कॉन्सेप्ट था सभी में, K की रैंकिंग +5 करेंगे कितना होगा 16, 16 का मतलब यहाँ पे हमने लिख दिया 16 ठीक है। फिर चेक किया I की रैंकिंग कितनी 9, +5 किया कितना हो गया 14, L की रैंकिंग 12, +5 किया 17, L की रैंकिंग अगेन 12, +5 किया 17, E की रैंकिंग 5, +5 किया 10 और R की रैंकिंग 18, +5 किया 23, 20 to 25 seconds में आपका answer है। ये question clear हो गया? आइए। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि word में जितने letter दिए गए थे उससे कहीं ज्यादा digit का उसका code था ठीक है। अभी हम लोग क्या सीखेंगे कि word में जितने letter होंगे उतने ही digit का उसका code भी होगा। मतलब क्या, अभी तक तो code उसका ज्यादा हो रहा था, अभी digits क्या होंगे equivalent हो जाएंगे जितने भी word में letter यहाँ पे होंगे ठीक है। कैसे, आइए जरा क्वेश्चन देखा जाए। सपोज कीजिए फ्रैंक का जो कोड मुझे दिया गया वो दिया गया 69152 ठीक है, आपसे पूछा गया किलर वर्ड का कोड क्या होगा, अभी आपने इसकी रैंकिंग लिखी थी 6 18 1 14 और 11, 11 9 12 12 5 और 18, क्लियर। अब यहां पे हमने क्या देखा कि फ्रैंक में मेरे पास 5 ही लेटर थे
और कोड कितने डिजिट का हुआ? सिर्फ 5 का हुआ. अभी तक क्या था? ज्यादा था. तो ज्यादा था तो हमने दो कॉन्सेप्ट सीखा था. कौन कौन सा? एक सीखा था उनकी रैंकिंग को लिख देना, और दूसरा सीखा था उनकी रैंकिंग में कुछ एडिशन या कुछ सब्ट्रैक्शन कर देगा. ठीक है, बट यहाँ पे क्या होगा, अब जब ध्यान देंगे तो हमने क्या देखा कि यार एफ के कोड को बिल्कुल वैसे ही लिख दिया गया है ना, ए के कोड को बिल्कुल एज इट इज उसी प्लेस से वैसे लिख दिया. इन्होंने चेंज कर दिया किसके कोड में? इन्होंने चेंज कर दिया आर के कोड में, इन्होंने चेंज किया एन के कोड में, और इन्होंने चेंज किसके कोड में किया? के कोड में. इन्होंने आर को क्या लिख दिया? आर के कोड को इन्होंने लिख दिया 9. आर की रैंकिंग तो 18 थी, बट इन्होंने इसको 9 लिख दिया है ना. एन की रैंकिंग थी 14, इन्होंने इसको भी चेंज करके क्या लिख दिया? 5 लिख दिया. और K की रैंकिंग थी 11, इन्होंने इसकी रैंकिंग कितने लिख दिया? कोड इसका 2 लिख दिया. तो ये कोड कैसे चेंज हो गए? जब ऑलरेडी F की रैंकिंग और N की रैंकिंग में इन्होंने कोई चेंज नहीं किया, तो क्यों इन्होंने R, N और K की कोड में चेंज किया? ठीक है, तो कॉन्सेप्ट इसका क्या है? कॉन्सेप्ट इसका ये है कि ये कोड इसलिए नहीं चेंज किए गए क्योंकि इस क्वेश्चन में इन्होंने कॉन्सेप्ट ये यूज किया कि जो यूनिट डिजिट के लेटर्स थे, यूनिट मतलब फ्रॉम 1 to 9, तो जो यूनिट डिजिट के लेटर्स थे उन्होंने उसको अपने उसकी प्लेस से बिल्कुल वैसा ही लिख दिया. देखें है ना, लेकिन जो टेंस डिजिट के लेटर्स थे दैट इज आर, एन और के, इन्होंने इसको यूनिट डिजिट में कन्वर्ट कर दिया. तो आप ये कहेंगे कि टेंस को यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो सिंपल सा फंडा है, कुछ भी नहीं, इनकी डिजिट्स को आपस में आप ऐड कीजिए और आपके पास आपका कोड आ जाएगा. कैसे? जा चेक करते हैं. 1 और 8 को हमने आपस में ऐड कर दिया, 9 हो गया, 9. ठीक है, आइए अगले लेटर मूव करते हैं. फिर हमने देखा तो एन टेंस डिजिट का एलिमेंट, ठीक है, इसकी भी रैंकिंग को हमने ऐड किया, 1 + 4 = 5, उसी तरीके से 1 + 1 = 2. कहानी क्लियर हुई? ठीक है, तो आपको क्या दिखा कि पर्टिकुलरली जो टेंस डिजिट्स के एलिमेंट थे हमने इसको क्या किया, इसको हमने यूनिट डिजिट में कन्वर्ट कर दिया, और जो ऑलरेडी यूनिट थे वो ऑलरेडी यूनिट के यूनिट ही रह गए. अब कितना आसान होगा आपके लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना. ठीक है, आइए जा चेक करते हैं. ये टेंस डिजिट का एलिमेंट, इसको हमने ऐड किया 1 + 1 = 2, ये ऑलरेडी यूनिट था 9, इसको हमने क्या किया, ऐड किया टेंस डिजिट का एलिमेंट, कितना हो गया 3, इसको भी हमने ऐड किया, कितना हो गया 3, ऑलरेडी यूनिट डिजिट था 5, हमने इसको भी ऐड किया, टेंस डिजिट का एलिमेंट था, कितना 9. तो ये रहा आपका आंसर. ठीक है, फंडा क्लियर हुआ? अब देखिए, आपने दो वैरायटी क्वेश्चन देखे. सबसे पहले क्या देखा कि पर्टिकुलरली अगर दिए गए वर्ड के लेटर से ज्यादा डिजिट का उसका कोड है तो हमें क्या करना है, उनके लेटर्स की रैंकिंग लिखनी है. फिर आपने ये देखा कि अगर पर्टिकुलरली जितने दिए गए वर्ड के लेटर्स हैं उतने ही डिजिट का अगर उसका कोड भी है तो सिंपली हमें क्या करना है कि इसके जो टेंस डिजिट्स हैं के एलिमेंट्स हैं उनको हम यूनिट में कन्वर्ट करके उसके भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें. ठीक है, अब हम लोग तीसरी कंडीशन देखेंगे क्या, जिसमें दिए गए वर्ड में लेटर्स तो आपके ज्यादा होंगे बट कोड क्या होगा, कोड इस बार कम होगा. ठीक है, कैसे, आइए जरा क्वेश्चन देखते हैं. देखिए, फ्रैंक हमारे पास वर्ड है, इसका कोड इस बार दे दिया 50. वर्ड में कितने लेटर? 5. कोड कितने डिजिट का? कम डिजिट का हो गया. ठीक है, तो जब भी कोड कम डिजिट का हो जाए दिए गए वर्ड के लेटर से तो उसमें से क्या होंगे, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन होंगे. कौन कौन से? या तो प्लस हो सकता है, या तो मल्टीप्लाई हो सकता है, तो डिवाइड हो सकता है, या स्क्वायर या क्यूब, ऐसा कुछ ऑपरेशन किया जा सकता है. बट देखिए यहाँ पे कोड क्या है, यहाँ पे कोड कम है, इसका मतलब कि हो सकता है इनके लेटर्स की रैंकिंग को हम ऐड करें तो इसका कोड आ जाए. ठीक है, कैसे, हमने इनकी रैंकिंग लिख दी 6, 18, 1, 14 और 11. क्या एक बार इनको जरा हम ऐड करके देखें, क्या इनका एडिशन 50 आता है क्या? देखें, 6 + 18 = 24 + 1 = 25 + 14 = 39 + 11 = 50. बोलिए, ठीक है, अब कितना आसान है आपके लिए कि अगर आपको किलर के सारे लेटर्स की रैंकिंग याद है तो इसको इजीली आपको सबको ऐड करना है और एडिशन करके आपको आंसर बता देना है, दैट इज 67. ठीक है, फंडा क्लियर हुआ? अच्छा,
यहां तक तो कहानी समझ में आई, बट सबसे लेटेस्ट वैरायटी का क्वेश्चन आपके पेपर में इसमें क्या पूछा जा रहा है कि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि पर्टिकुलरली जो डिजिट्स का कोड दिया गया वो फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया. देखें, फ्रैंक का कोड दिया गया 1/4. आपको किसका कोड फाइंड आउट करना है? किलर का. ठीक है, तो जब भी कभी कोड आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में मिले तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्सेप्ट काम करेगा, क्या? वॉवेल्स अपॉन में कॉन्सोनेंट्स. ठीक है, अब इसके दो केस हो सकते हैं. अगर कोड आपके कम से कम हुए तो उसमें सबसे पहला केस क्या काम करेगा? नंबर ऑफ वॉवेल अपॉन में नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स. और अगर कोड उसके ज्यादा होंगे तो क्या होगा? एडिशन ऑफ ऑल द वॉवेल्स अपॉन में एडिशन ऑफ ऑल द कॉन्सोनेंट्स. ठीक है, अब देखिए यहां पे कोड क्या है, कम है. तो चलिए नंबर वाला केस लगाते हैं. फ्रैंक में कितने वॉवेल? एक वॉवेल. न्यूमरेटर में आ गया 1. कॉन्सोनेंट्स कितने? 4. कॉन्सोनेंट्स आपके आ गए डिनोमिनेटर में. ठीक है, सेम फंडा यहां पे. किलर में कितने वॉवेल? आई और ई, 2 वॉवेल्स. कॉन्सोनेंट कितने हो गए? 1, 2, 3 और 4. बोलिए, कहानी क्लियर? अब अगर यही कोड आपके ज्यादा होते, सपोज कीजिए 30/44 या ऐसा कुछ होता, तो उस केस में क्या करते? इनकी रैंकिंग लिखते, उनकी रैंकिंग का एडिशन करके तब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते. ठीक है, आइए देखें, आइए एक क्वेश्चन और समझते हैं. सपोज कीजिए कि आपको एक वर्ड दिया गया, फ्रूट. ठीक है, फ्रूट का कोड आपको दिया गया 30/44. कोड ज्यादा दिख रहे हैं, इसका मतलब हो सकता है फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन का मतलब वॉवेल अपॉन कॉन्सोनेंट ही होगा. लेकिन इस बार हो सकता है एडिशन ऑफ द रैंकिंग ऑफ वॉवेल अपॉन में एडिशन ऑफ द रैंकिंग ऑफ कॉन्सोनेंट. चेक किया जाए, आइए जा चेक करते हैं. उसके पहले जिस वर्ड का आपसे कोड पूछा गया है वो है मैंगो. चेक किया जाए, चलिए एफ की रैंकिंग 6, आर की रैंकिंग फॉर्मूला आपके पास है 18, यू की रैंकिंग 21, आई की रैंकिंग 9 और टी की रैंकिंग 20. चेक करें, चलिए फ्रूट में कौन कौन से वॉवेल? यू और आई. यू की रैंकिंग प्लस आई की रैंकिंग एथेटिव. कॉन्सोनेंट चेक करिए, 6 प्लस 18 प्लस 20, सबका एडिशन 44. हो गया क्वेश्चन. बस आइए अब चेक करते हैं मैंगो का रैंकिंग 13, 1, 14, 7 एंड 15. क्लियर? वॉवेल्स ए प्लस ओ, ए की रैंकिंग 1 प्लस ओ इज इक्वल टू 16. कॉन्सोनेंट आइए 13 प्लस 14 प्लस 7 34. आंसर आपका हो गया 16/34. एक बार चेक कर लेते हैं, एडिशन करके आप चेक कर सकते हैं क्या 34 है या नहीं है. 14 प्लस 7 21 21 प्लस 13 34. फंडा क्लियर हुआ? ठीक है, आइए एक और वैरायटी क्वेश्चन देखते हैं जो अब तक का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है. कैसे? आइए चेक करते हैं. क्वेश्चन है दिल्ली, वर्ड है, इसका कोड दिया गया 168. ठीक है, दूसरा वर्ड गोवा, इसका कोड है 101. आपसे पूछा गया है मणिपुर का कोड. ठीक है, अब देखिए वर्ड में कितने लेटर है? 5. और कोड कितने डिजिट का है? 3 डिजिट का. इसका मतलब होंगे तो वही सारे ऑपरेशन होंगे जो मैथमेटिकल यूज किए जाते हैं, प्लस होगा, मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा, स्क्वायर होगा या फिर क्यूब होंगे. ठीक है, तो हमने क्या किया, इनकी सबसे पहले कुछ नहीं समझ में आया तो हमने इसकी रैंकिंग लिख ली 4, 5, 12,
8 और 9, 7, 15 और 13, 1, 14, 9, 16, 21 और 18, ठीक है? अब देखिए, यहाँ पे ये 168 कोड कैसे आया? ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 से 4 बार आपसे पूछा जा चुका है, ठीक है? और lack of नॉलेज हम इस क्वेश्चन को छोड़ के चले जाते हैं, क्यों? क्योंकि कभी हम इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस किए ही नहीं हुए, ठीक है? तो इसका कंसेप्ट क्या है जा देखेंगे। यहाँ पे हमने इनकी रैंकिंग तो लिखी है, अभी तक आपने ये सीखा था कि इनकी सबकी रैंकिंग को हम ऐड कर दें तो इसका कोड आ जाता था। अभी फ्रैंक वाला क्वेश्चन अभी देखा था हम लोगों ने, ठीक है? लेकिन इस बार इनकी रैंकिंग को तो ऐड किया गया है, लेकिन इसकी दूसरी रैंकिंग को ऐड किया गया है। आप कहेंगे सर इसकी दूसरी रैंकिंग कौन सी? एक रैंकिंग तो हो गई 1 से लेकर 26 तक, मतलब ए से लेके जेड तक। एक की अगर दूसरी रैंकिंग की बात करें, मतलब 26 लेटर के बाद दोबारा से फिर से वो लेटर आ जाएगा। इसका मतलब ए की दूसरी रैंकिंग कितनी होगी? 26 में प्लस 1 कर दिया, कितना हो गया? 27। सेम कॉन्सेप्ट यहां पे यूज किया गया, ठीक है? कैसे? अब मुझे डी की दूसरी रैंकिंग चाहिए तो कुछ भी आपको नहीं करना है, हर एक पर्टिकुलरली लेटर की रैंकिंग में हमें क्या कर देना है? 26 का एडिशन करना है और मुझे उसकी दूसरी रैंकिंग पता चल जाएगी। कैसे? 26 प्लस 4 कितना आया? 30। 26 प्लस 5 31। 26 प्लस 12 38। 26 प्लस 8 34। 26 प्लस 9 दैट इज 35। जाइन को ऐड करके देखा जा, कर लीजिए ऐड, देखिए आंसर कितना? 168। इसी कॉन्सेप्ट को यहां पर अप्लाई किया जाए। दूसरी रैंकिंग इसकी 33, इसमें फिर से 26 ऐड किया 41, इसमें भी 26 ऐड कर दिया 27, ठीक है? इनको भी ऐड किया, वैल्यू कितनी? 101, ठीक है? सेम कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई किया, 26 ऐड करते गए, 26 में ऐड किया कितना हो गया? 39। इसमें ऐड किया 27, इसमें ऐड किया 40, इसमें ऐड किया 35, इसमें ऐड किया 42, इसमें ऐड किया 617, 224, ठीक है? और फाइनली 18 में ऐड किया 8614 और ये आपका 44, ठीक है? इन सबको हमने ऐड किया और ऐड करके मुझे आंसर पता चल गया 274, ठीक है? एक क्वेश्चन आपको दो होमवर्क के लिए, ठीक है? आप उसको, वो क्वेश्चन आपके लिए एक तरीके से टास्क होगा, आप उसको सॉल्व कीजिए, वैसे कमेंट बॉक्स में आप अपने आंसर को कोड करेंगे। और नंबर कोडिंग के अगर और कोई क्वेश्चन है अगर आपके हैं तो आप उसको क्वेरी की तरीके से कमेंट बॉक्स में टाइप करके सेंड कर सकते हैं, ठीक है? आइए क्वेश्चन देखते हैं। जिप का कोड दिया गया 198, ठीक है? जैप का कोड दिया गया 286। यू विल हैव टू ट्रेस आउट द कोड फॉरवर्ड VIP, ठीक है? आइए ऑप्शन जैसे दे देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन 189, सेकेंड वन इज 891, थर्ड वन इज 495 एंड फोर्थ वन इज 990, ठीक है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। आपकी और भी कोई क्वेरी है अगर नंबर कोडिंग से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए।